आपके जीवन में ऐसे लोग जरूर होंगे जो हमेशा जल्दी में रहते हैं। आपने उनके मुंह से सिर्फ यही शब्द सुने होंगे, हरी अब जल्दी क्यों नहीं तैयार हो जाते तुम, जल्दी करो मुझे लेट हो रहा है। सिर्फ यही शब्द, वो हमेशा जल्दी में होते हैं। वो कोई आपका जानने वाला हो सकता है या आप खुद हो सकते हैं। ये निरंतर भाग दौड़ में रहना, जल्दी 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 में सब कुछ करना अर्जेंसी से उत्पन्न होता है, भले ही इसकी जरूरत ना हो। हो सकता है कि आप अपनी टू डू लिस्ट से आगे बढ़ना चाहते हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो या धीमा होने पर बुरा महसूस कर रहे हो। प्रोफेसर जॉन शॉब्रेक के अनुसार हरी अप की बीमारी टाइप ए पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। यदि आप हमेशा जल्दी में रहते हैं तो आपको कम रिजल्ट मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव होने और अधीर होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। अब बात ये आती है कि आप इस बीमारी को पहचानेंगे कैसे। पहला, सब कुछ दौड़ लगता है। आपको जैसे लगता है आपका जीवन रेस है, आप खरीदारी, खाने या गाड़ी चलाने जैसे रोजमर्रा के कामों को दौड़ की तरह मानते हैं और धीमा होने से आपको चिंता होती है। दूसरा, एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देना आपको असहनीय लगता है। आप जानना चाहते हैं कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। तीसरा, देरी होने पर आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। समय बर्बाद करने से बचने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चौथा, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप समय से पीछे हैं, आपके लिए एक दिन काफी लंबा नहीं है। पांचवा, जब आप अपनी टू डू लिस्ट से चीजों की जांच कर लेते हैं तब जाके आप संतुष्ट होते हैं। इतनी जल्दबाजी में रहने से कई नुकसान होते हैं, जैसे कि लगातार भाग दौड़ वाली स्थिति क्रॉनिक स्ट्रेस का कारण बन सकती है, जो आपकी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती है और आपकी नींद और ऊर्जा के स्तर में हस्तक्षेप कर सकती है। ये आपके फोकस को भी कम करती है, जो आपके वर्क परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। अर्जेंसी की भावना हमें मीनिंगफुल रिलेशनशिप से दूर कर सकती है। हम उन लोगों के साथ पेशेंस लूज कर देते हैं जो धीमी गति से आगे बढ़ते हैं और आप किसी से कनेक्शन और एम्पथी नहीं रख पाते। और लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट रिश्तों का दूसरा नाम बन जाता है। अब आपने जान लिया है कि ये बीमारी आखिर दिखती कैसी है और इसके नुकसान क्या है, इसका इलाज भी क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला, कार्यों को सही पर्सपेक्टिव में रखें। सोचें कि वास्तव में टाइम सेंसिटिव क्या है और क्या नहीं। टाइम सेंसिटिव का मतलब है किस चीज को अभी अभी फौरन कर लेना चाहिए या किसी चीज को टाला भी जा सकता है। दूसरा, सेल्फ केयर के लिए समय की छोटी छोटी खिड़कियां बनाएं, फिर उन्हें बढ़ाते जाएं। समय का उपयोग उन चीजों को करने के लिए करें जो आपको पसंद है, जैसे पढ़ना, बात करना, चलना और मेडिटेशन। तीसरा, इवनिंग रूटीन बनाएं ताकि आप शांत हो सकें, थोड़ा धीमे हो सकें। चौथा, खुद को सोचने का समय दें। लगातार एक टास्क से दूसरे टास्क की ओर बढ़ना आपको बड़ी तस्वीर देखने से रोकता है। पांचवा, प्रियजनों का सहयोग प्राप्त करें। उन्हें ये बताने के लिए कहें, कहीं आप फिर से उसी बीमारी की तरफ तो नहीं जा रहे। तो ये सब चीजें थी हरी सिकनेस की, जो लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं उनके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। जो जल्दी में रहते हैं उनके साथ जल्दी से शेयर कीजिए। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया।